नमस्ते, वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज घर में पड़े हुए बेकार की ग्लास बॉटल से बनाएंगे 3 बहुत ही इजी डीआईवाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डीआईवाई के लिए आपको चाहिए एक ग्लास बॉटल, कोई भी कलर का यार्न, 2 या 3 कलर आप ले सकते हैं, और चाहिए ग्लू। तो पहले ग्लास बॉटल के ऊपर हम लोग ग्लू लगा लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ग्लू लगाना है और थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। अगर एक साथ पूरा बॉटल में लगा लेंगे तो क्या होगा, एक तो ग्लू सूख जाएगा और काम करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगाएंगे और एक ग्लू के ऊपर ये जो यर्न है इसको रैप करते जाएंगे। रैप करने के टाइम ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दोनों यर्न का जो 2 स्ट्रिंग है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये रैपिंग थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दे के आपको करना है। और ये मैंने फर्स्ट जो मेरा यर्न था उसको मैंने रैप कर लिया। अभी जो सेकंड कलर का यार्न है उसको भी इसी तरीके से मैंने रैप करूंगी और वो हाफ पार्ट करूंगी, और बाकी के हाफ पार्ट मैं फिर से ये येलो कलर का जो यार्न है उसको यूज कर लूंगी। तो कंप्लीट होने के बाद ये बॉटल कुछ ऐसा दिखेगा। बॉटल का डेकोरेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ तो रखना है, तो ताकि इसका जो डेकोर है ये कंप्लीट हो, इसके लिए मैंने फ्लावर बनाऊंगी। तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने 2 ब्रूमस्टिक लिया है और 2 पिंक कलर का, पिंक का 2 शेड है, ऐसे 2 यर्न लिया है। तो अभी क्या करूँगी, ये यर्न जो है इसको मैं ये ब्रूमस्टिक के ऊपर रैप कर दूंगी। थोड़ा सा ग्लू लगाया और उसके बाद मैं रैप करते जाऊंगी। इस तरह से वो जो खुला पार्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान देके रैप करना है, और उसके बाद आप इजीली रैप कर पाएंगे। ये रैपिंग करने के टाइम भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो स्ट्रिंग से उसके बीच में गैप ज़्यादा ना दिखे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना हो सके बारीकी से आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हो गया, और एक जो ब्रूम स्टिक था मैंने उसको भी रैप कर लिया। अभी बनाएंगे फ्लावर। तो फ्लावर के लिए मैं 2 पॉम पॉम बनाऊंगी। तो पॉम पॉम बनाना तो सबको आता है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इनकेस आपको पता नहीं है। तो आपको एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है और उसके ऊपर 50 to 60 टाइम यॉन को रैप करना है। उसके बाद उसको निकाल के बीच में यॉन से ऐसे एक नॉच बनाना है, और जो लूप था यॉन का उसको इस तरीके से कट देना है। इसके बाद ये जो फ्लावर बन के रेडी है इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है। आपको जितना बड़ा रखना है या जितना छोटा रखना है उसी हिसाब से इसको बाद में ट्रिम कर दीजिए। तो आपका जो पॉम पॉम है वो बन के एकदम तैयार हो जाएगा। तो इधर मैंने पॉम पॉम बना लिया एक कलर का, और दूसरा जो है, दूसरा कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ उससे भी मैं ऐसे ही एक पॉम पॉम बना लूँगी। और अभी वो जो स्टिक था फ्लावर का, तो उसमें ये फ्लावर मैं स्टिक कर दूंगी ग्लू से। तो दोनों पॉम पॉम बॉल को ही मैंने स्टिक में ऐसे अटैच कर दिया और ये फ्लावर बनके तैयार है। आप जितना मर्जी बना सकते हैं, चाहे तो स्टिक का जो लेंथ है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा दिखता है। तो ये डीआईवाई रेडी है। नेक्स्ट जो डीआईवाई है उसके लिए हमें चाहिए एक हार्ड कार्डबोर्ड जिसका मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर है, और चाहिए एक डेकोरेटिव पेपर, एम्प्टी ग्लास बॉटल, ग्लू, एंड उसके साथ चाहिए यर्न। मैंने व्हाइट यर्न यूज किया है, आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट यर्न रिकमेंडेड है। नेक्स्ट ये कार्डबोर्ड को ये डेकोरेटिव पेपर से हम लोग रैप कर लेंगे, और उसके बाद ये जो एम्प्टी बॉटल है उसको नीचे की तरफ से इस तरीके से वो जो यर्न है उसके मदद से हम लोग कार्डबोर्ड के साथ अटैच कर देंगे। ग्लू अटैच ग्लू यूज मत कीजिए, क्योंकि ग्लू से ये अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यार्न से हम लोग इसको बांध के सिक्योर कर देंगे। ऊपर की तरफ एक नॉच लगाएंगे और नीचे की तरफ भी एक मतलब नॉट लगा देंगे।
तो ये एकदम से सिक्योर हो जाएगा। और आपका ये जो डेकोरेटिव पीस है ये बन के तैयार है, इसको आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर वगैरह रख सकते हैं, आप चाहे तो रियल प्लांट जो है उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग लाइट लगा दीजिए और आपका ये जो डेकोरेटिव आइटम है ये एकदम बन के तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजिली आप इस दिवाली अपना घर जो है उसको डेकोरेट कर पाएंगे और एक भी पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। जो भी घर में पड़े हुए चीजें हैं उससे आप अपना जो घर है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने एक भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदी और जो भी चीज़ ये वीडियो में मैंने यूज़ की है किया है ये सभी के घर में होते हैं, तो इसलिए मैंने वही चीज़ यूज़ किया है जो इजीली अवेलेबल होता है घरों में। तो ये बन के रेडी है, अभी ऊपर में हैंग करने के लिए एक स्ट्रिंग लगा दूंगी और ये DIY भी एकदम रेडी है। लास्ट DIY भी बहुत इजी है, इसके लिए हमें चाहिए ग्लास बॉटल, कुछ पेंट, मैंने एक्रेलिक पेंट यूज किया है, इसके साथ चाहिए एक सेलो टेप और एक ब्रश। तो ये बॉटल को हम लोगों को पेंट करना है, लेकिन मैं थोड़ा गैप देके पेंट करूंगी। इसके इसके लिए वो गैप बनाने के लिए इसके ऊपर मैं पहले सेलो टेप लगा दूंगी। तो पहला जो गैप है उसको थोड़ा सा ज्यादा रखूंगी, उसके बाद मैंने इक्वल 3 गैप बनाऊंगी। तो 3 गैप के लिए मुझे 3 जगह पे ये सेलो टेप लगाना है। आप चाहे तो पूरा बॉटल में ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाफ बॉटल के जो हाफ पोर्शन है उसमें ये डिजाइन बनाना था, तो इसलिए मैंने बॉटल के हाफ पोर्शन तक ये जो सेलो टेप है उसको लगा दिया। ये जो तीनों DIY है ये तीनों DIY ही पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड है। और ये मैंने सेलो टेप जो है वो लगा दिया और मेरा बॉटल रेडी है अभी कलर करने के लिए। अभी मैं इसको कलर करूंगी। कलर के लिए मैंने बेबी पिंक कलर के यूज किया है, लेकिन पता नहीं ये कैमरा में क्यों व्हाइट दिख रहा है, लेकिन बाद में जब मैं आपको दिखाऊंगी तो देखेंगे कि ये पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर है। तो उसको मैंने ये पूरा बॉटल के ऊपर ये कलर कर दिया और सूखने के बाद और एक कोट कर दिया। और अभी सुबह हो गई मामू, ये जो कलर है ये पूरा सूख गया है, तो मैंने अभी ये जो सेलो टेप का स्ट्रिप है उसको हटा दूंगी और हटाने के बाद वो कुछ ऐसा डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बॉटल को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक ब्रांच लिया है और उसको कलर कर दिया है, और ये ब्रांच में लगाने के लिए मैं कुछ पॉम पॉम यूज करूंगी, कुछ ऑरिगेमी करके बनाया है मैंने, बटरफ्लाई यूज करूंगी। ये सब आइडिया आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया और ये DIY बन के रेडी है। देखा आपने कैसे घर में पड़े हुए चीजों से आप घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। तो इस दिवाली घर सजाने के लिए एक भी पैसा खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग। मैं मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।